ये क्या हो रहा है बाबा? ये गंगा माई का किनार में सर जी टेका लगा हुआ है और माता गंगा के किनार में भगत लोग का सत होता है और सत की जयकार होता है, पाप की विनाश होता है, धर्म की काज होता है। जिस तरह से राजा हरचंद्र जी सतवाजी में थे, इस तरह से दरबार में माता गंगा के लोग भगत लोग सत करता है। ये सत्य क्या होता है? सत्य होता है जो देवता लोग होता है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र और कुल देवता होता है, कोनों के काले पन्नी होता है, कोनों के सोखा होता है, कोनों के दुनिया होता है, इसी तरह से कोनों को गोविंद जी होता है, इसी तरह से जैसे लोग पूछता है। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बताइए। बेनिफिट होता है इससे कुछ नहीं, अपना अपना आत्मा के शांति मिलता है। मतलब कुल मिला के ये देखा जाए तो जो वैज्ञानिक कहती है कि ये सब बिल्कुल नहीं है, एक दिखावा है, एक चलावा है, वही अंधविश्वास चीज। आप मानते हैं कि ये अंधविश्वास है? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजू पासवान जी। कहाँ से आए हैं? छपरा बैंक से आए हैं। कितना सालों से यहाँ पे आ रहे हैं आप? हम आते हैं बहुत बचपन से, फिर ये अंधविश्वास को इतने सालों से आप देखते आ रहे हैं, फिर क्या लोगों को आपने इसका अच्छा सुझाव नहीं दिया? अच्छा सुझाव देते हैं ना, दिलाते हैं कैसे सर? फिर ये तो जो कर रहे हैं, ये ड्रामा सा जो हो रहा है, ये इस टाइप का, ये क्या है? ये ड्रामा नहीं है सर, ये ड्रामा रहता तो कोई आईबे नहीं करता। पब्लिक बुर्बक थोड़ी है जो ड्रामा ले रही है। तीरथ है, धाम है, अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब अंधविश्वास है, तो फिर ये क्या देवता वगैरह क्या? हवा रूपी चीज है सर, सत्य बात यही है, हवा रूपी चीज है, हवा रूपी चीज है, हवा रूपी चीज देवता के लोग मान के आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ लोग करता है। बात डिटेल ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा घर हो गया छपरा में, जिला मुजफ्फरपुर, थाना मुसहरी, भाया सिरौंजा। नाम बता दीजिए। राजू भगत जी। ओके बोलिए साहब, ये क्या उन पे जो वो छोटा सा बालक है वैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब? ये जो परंपराया देवता हम लोग का है, माता कहीं बगदौर खिरहर, उनका सवारी हो चुका है, इसीलिए बच्चा जो है खेल रहा है। ठीक, आगे क्या होगा? इतना छोटा सा बालक का भविष्य किधर जा रहा है?
भविष्य बनेगा इस बच्चे को। कैसे भविष्य बनेगा, आप बनाएंगे भविष्य इसका? बस जो सवार हुआ है वो बच्चे पर सवार भविष्य बनाएगा। साइंस तो इस चीज को नहीं मानती है। नहीं मानती है। फिर अगला साल पूछ लीजिएगा इस बच्चे से कि कितने पढ़ाई में आगे है पीछे है। कहाँ से आए हैं आप? मैं कुरहनी थाना से आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुरेश ठाकुर। ये कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ करीब हम 12 साल से आ रहे हैं। कितने लोगों के अभी तक के आप इस तरीके से कर चुके हैं सपमन? हम सब 100 आदमी को तो कर चुके हैं।